हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज हम बनाएंगे कद्दू और कैरी की बहुत ही खट्टी मीठी और तीखी सी सब्जी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होती है। इसके लिए हमने आधा किलो कद्दू ले लिया है, जिसे हमने धो लिया अच्छी तरह से। एक हमने कैरी ली है, जरूरत के हिसाब से डाल लेंगे। अब कद्दू को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह से छिलके समेत ही हम इसको काट रहे हैं। इसी तरह से हम पूरे कद्दू को काट लेंगे। देखिए, कद्दू को काट लिया हमने, कैरी को भी हम ग्रेट कर लेते हैं। आप छोटे छोटे काट के भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसको छील लेते हैं। क्योंकि ज्यादा कद्दू नहीं है हमारा, तो हम आधी कैरी को ही छील लेते हैं। ये ग्रेटर का जो बड़ा वाला हिस्सा है उससे। कैरी का सीजन है तो अभी कैरी डाल देंगे इसके अंदर, नहीं तो कटाई के लिए हम इसके अंदर अमचूर डाल सकते हैं। आधी कैरी को कद्दूकस कर लिया। चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल चढ़ा दिया हमने, 2 चम्मच तेल डाला है, जिसको एक बार अच्छे से गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। दोबारा से गैस ऑन कर ली है, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच हम दाना मेथी डालेंगे, और थोड़ी सी हम इसके अंदर कलौंजी डालेंगे। दाना मेथी इसके अंदर जरूर डालें, सौंफ और दाना मेथी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, सौंफ और दाना मेथी हमारी भुन गई है। इसमें डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्ची, इसे चला के या हमने अपना इसमें कद्दू डाल देंगे। कद्दू डालकर 5 मिनट तक इसको ढक के कुक कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा कद्दू गल जाए। 5 मिनट हमने इसको कुक कर लिया है, थोड़ा सा गल गया हमारा ये कद्दू। इसके अंदर अब हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया का। मिक्स कर देते हैं। कैरी डाल देंगे इसमें, जरूरत के हिसाब से डाल लें। कैरी के साथ भी इसको 1-2 मिनट भून लेते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हरा धनिया और 1-2 चम्मच पानी डालते हुए मिक्स करके इसको ढक के, जब तक हमारे कद्दू अच्छी तरह से गल जाता है, जब तक इसको कुक कर लेते हैं, और बीच बीच में इसको देखते रहेंगे। ये देखिए, सब्जी को कुक होते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। देखिए, कद्दू हमारा बढ़िया से गल गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच हम कद्दूकस किया हुआ गुड़। गुड़, चीनी, जो आपको पसंद हो आप डाल लें। इसको मेल्ट होने देते हैं। साथ में इसके ऊपर से डाल देंगे ये हरी मिर्ची, और डालेंगे हम हरा धनिया, और 1-2 मिनट इसको और कुक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है किचन के अंदर, बहुत ही महक रही है किचन। बहुत ही बढ़िया सी हमारी तीखी खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बन गई है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, जो जैसे भंडारे में बनती है। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी हमारी खट्टी मीठी और चटपटी कद्दू की सब्जी बन के तैयार है। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है। एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें और इंजॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए।